तो वही प्रदूषण से अगर कोई प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित है तो वो है दिल्ली। लॉकडाउन के बाद दिल्ली को प्रदूषण से राहत मिली, पर अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही दिल्ली फिर से प्रदूषण की मार सह रहा है। इसी कड़ी में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार ने गुरुवार से एक नए अभियान की शुरुआत की है। क्या है ये नया अभियान और कैसे दिल्ली में इससे प्रदूषण पर काबू पाया जाएगा, चलते चलते दिखाते हैं इस पर आपको एक खास रिपोर्ट। प्रदूषण की समस्या हमेशा से ही दिल्ली की प्रमुख समस्या रही है। दिल्ली वालों को हमेशा से ही प्रदूषण का सामना करना पड़ा है, लेकिन कोरोना में लगे लॉकडाउन ने दिल्ली को प्रदूषण से काफी लंबी राहत दी थी। जहां एक तरफ दिल्ली की हवा में काफी नुकसान पहुंचाने वाली गैस पाई जाती थी, वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन में दिल्ली की हवा में काफी हद तक सुधार पाया गया। लेकिन अनलॉक शुरू होने के साथ ही दिल्ली में प्रदूषण एक बार फिर से दस्तक दी है, जिससे कोरोना काल में दिल्ली निवासी कोरोना के साथ साथ प्रदूषण की मार भी झेलने के लिए मजबूर है। अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ ही त्योहारों का मौसम भी आने लगा है, जिस वजह से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर और भी बढ़ने की संभावना रहती है। दिल्ली के प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार ने गुरुवार को एक अहम फैसला लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है, और इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करी है कि अब से सभी लोग रेड लाइट पर अपनी गाड़ी ऑफ करें। आज से हम कैंपेन शुरू कर रहे हैं रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। हम सब लोग आज एक संकल्प लेंगे कि रेड लाइट अगर मिलेगी तो रेड लाइट के ऊपर हम अपनी गाड़ी ऑफ करेंगे, रेड लाइट के ऊपर हम अपनी गाड़ी ऑन नहीं रखेंगे। जैसा मैंने बताया, 1 करोड़ व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं। अगर 10 लाख व्हीकल्स भी सड़क के ऊपर रेड लाइट पे अपनी गाड़ी ऑफ करना शुरू कर दें तो एक्सपर्ट्स ने मुझे कैलकुलेशन करके दी है कि साल में PM10 पोल्यूशन का वो होता है ना, PM10, वो 1.5 टन्स कम हो जाएगा। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि दिल्ली की हवा में बुधवार को कुछ हद तक सुधार देखा गया था, लेकिन ये दूसरे दिन जारी नहीं रह सका और दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार चला गया। वहीं अगर दिल्ली के शाहदरा जिले के झिलमिल इलाके की बात करें तो वहां पर गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार चला गया, जो कि काफी खतरनाक है। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली NCR में आज से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान भी लागू हो जाएगा, और अगले आदेशों तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर डीजल पेट्रोल जनरेटर पूरी सर्दी में बंद रहेंगे। इसके अलावा प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर दूसरी पाबंदियां भी लागू की जाएगी। जानकारी के मुताबिक अगर रेड लाइट पर लोग अपनी गाड़ी बंद करना शुरू कर दें तो सालाना 7,000 रुपए की बचत हो सकती है। दरअसल एक गाड़ी रोज तकरीबन 15 से 20 मिनट रेड लाइट पर बिताती है और उसमें तकरीबन 200 ml तेल की खपत होती है। अगर आप रेड लाइट पर अपनी गाड़ी बंद करना शुरू कर देंगे तो सालाना 7,000 रुपए तक आप आसानी से बचा सकते हैं। बहरहाल दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए अभी कुछ दिनों पहले ही अरविंद केजरीवाल ने नरेला में बायो डीकम्पोजर का छिड़काव किया था, जिससे पराली को खाद में बदला जा सकता है, और अब दिल्ली सरकार द्वारा इस अभियान की शुरुआत करना दिल्ली को कहीं ना कहीं प्रदूषण से राहत मिलने की ओर बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।